हमारे इस नेचुरल वर्ल्ड में चीजें किस तरह फंक्शन करती हैं और किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशंस को एक एसेंशियल टूल की तरह माना जाता है। जहां तक मेरा अंदाजा है, हम में से हर किसी को कहीं ना कहीं मैथ्स के इक्वेशंस का सामना करना ही पड़ा होगा, राइट? तो अब सवाल ये है कि हमें मैथ्स के इक्वेशंस क्यों सीखने पड़ते हैं और इनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर आप एक साइंस स्टूडेंट नहीं हैं और ये सोच रहे हों कि इक्वेशंस का नाता सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के सम्स को हल करने तक ही सीमित है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये इक्वेशंस हम इंसानों की डेली लाइफस्टाइल में हर पल यूज किए जा रहे हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते ही करते हैं, और मैथ्स का ज्यादातर पोर्शन इक्वेशंस पर ही डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आजकल यूज होने वाले मॉडर्न कंप्यूटर चिप्स जो कि मैथ्स के इक्वेशंस और एल्गोरिदम पर बेस्ड हैं, उनको ही ले लीजिए, क्योंकि ये चिप्स हमारी डेली लाइफ रूटीन में यूज होने वाली मशीन्स जैसे कि वॉशर्स, ड्रायर, कार एटसेट्रा में यूज होते हैं। और इतना ही नहीं, इन मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज ट्रैफिक कंट्रोल, स्पेस प्रोग्राम्स, एविएशन और मेडिकल एटसेट्रा में किया जाता है। वेल, इक्वेशंस की ये स्टोरी नई नहीं है, बल्कि इंसानों की हिस्ट्री में कुछ ऐसे इक्वेशंस भी हैं जिन्होंने हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड को डिजाइन करने में बहुत बड़ी हेल्प की। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये इक्वेशंस न होती तो शायद आज की ये नई दुनिया बहुत अलग होती, तो शायद गलत नहीं होगा। साल 2013 में एक मैथमेटिशियन और साइंस ऑथर जिनका नाम है इयान स्टीवर्ट, उन्होंने अपनी बुक में इस दुनिया को बदल देने वाली 17 इक्वेशंस के बारे में बताया। वेल, तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ्स और हम इंसानों के इतिहास को बदल देने वाली इन्हीं 17 अमेजिंग एंड वंडरफुल इक्वेशंस में से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशंस के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नंबर एक पर है पाइथागोरस थ्योरम। यूक्लिड्स जियोमेट्री का फंडामेंटल लॉ माने जाने वाली इस थ्योरम की मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से जुड़ी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। वेल, इस पाइथागोरियन थ्योरम का यूज टू डायमेंशनल नेविगेशन में, एयर नेविगेशन में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कम से कम दूरी फाइंड करने में, आर्किटेक्चर, वुड वर्किंग के साथ साथ और भी दूसरी अदर फील्ड्स में किया जाता है। नंबर दो पर है लॉगरिथम। लॉगरिथम एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरह है। यह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक जुड़ा हुआ है और इसका यूज साइंस के बहुत से फील्ड्स में किया जाता है। नंबर तीन पर है कैलकुलस। 17वीं शताब्दी के आखिर में जैसे ही कैलकुलस का इन्वेंशन हुआ, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। वेल, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस के डेरिवेटिव को एक्सप्लेन कर रही है। ये डेरिवेटिव उस रेट को मेजर करता है जिस पर क्वांटिटी बदल रही होती है। वेल, कैलकुलस आज के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में हर जगह शामिल है। आपको बता दूं, न्यूटन ने कैलकुलस की हेल्प से ही ग्रेविटी के लॉस को डेवलप किया था। नंबर चार पर है लॉ ऑफ ग्रेविटी। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ये इक्वेशन महान वैज्ञानिक न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के नियम से रिलेटेड है। ये नियम किसी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करता है, जिसने ये समझाने में काफी हद तक मदद की कि हमारी अर्थ और पूरे यूनिवर्स में मौजूद प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है। ये जानने के लिए आइंस्टीन के रिलेटिविटी के थ्योरी के आने से पहले न्यूटन के लॉस का ही यूज किया जाता था। नंबर पांच पर है E equals MC square. E equals MC square equation को 20th century के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेजेंट किया था। यह इक्वेशन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशंस में से एक है, जो कि हमें ये बताती है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही चीज है, या यूं कह लीजिए कि ये दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हैं। नंबर छह पर है द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। एलजेब्रा उसी तरह से काम करता है जैसा कि हम चाहते हैं। मैथमेटिशियन हमेशा से ही संख्याओं को एक्सप्लेन करते आए हैं, अब चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस हों, या फिर रियल नंबर्स हों। और किसी नंबर की कोई ऐसी सिचुएशन जो कि रियल नंबर से अलग हो या फिर मैच ना करती हो, उसके लिए भी सॉल्यूशन ढूंढा गया, और वो सिचुएशन थी अंडर रूट माइनस वन। जब माइनस वन के रूट को आई यानी कि इमेजिनरी नंबर लिखा गया, तब जन्म हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इन नंबर्स की अपनी ही अलग अमेजिंग सिमेट्रीज और प्रॉपर्टीज हैं।
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और क्वांटम मैकेनिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एसेंशियल रूप से यूज किए गए हैं। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक थ्योरी में बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। नंबर 7 पर है ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रा। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ये ऑयलर्स फॉर्मूला इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये इक्वेशन ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पॉलीहेड्रॉन शेप से रिलेटेड है और आज के युग में ये इंजीनियर्स और बायोलॉजिस्ट का इसेंशियल टूल बन चुका है। नंबर 8 पर है द वेव इक्वेशन। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि वेव्स और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, जैसे कि आखिर वेव्स कैसे काम करती है, भूकंप कैसे आते हैं और समुद्र काम कैसे करता है। ऑयल कंपनी साउंड वेव से डेटा रीड करके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की भविष्यवाणी करती है। नंबर 9 पर है मैक्सवेल्स इक्वेशन। यह इक्वेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। इस इक्वेशन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने और प्रेडिक्शन करने में बहुत हेल्प की है, और साथ ही साथ जन्म हुआ बहुत सी टेक्नोलॉजीज का, जैसे कि रडार, टेलीविजन और मॉडर्न कम्युनिकेशंस। नंबर 10 पर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस इक्वेशन की मदद से एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से एनर्जी और इस यूनिवर्स के बारे में काफी समझ बढ़ी, और साथ ही साथ ये भी साबित हुआ कि मैटर एटम से मिलकर बना होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।